दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि वोवन वेलवेट फैब्रिक क्या होता है और जो वोवन वेलवेट फैब्रिक होता है वो कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, वेलवेट फैब्रिक को वीविंग करने का क्या प्रोसीजर होता है और दोस्तों इसके यूज क्या होते हैं, वेलवेट के अंदर किस तरीके के डिफेक्ट होते हैं और उनकी क्या क्या रेमेडीज होती है। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूँ, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, दोस्तों आज के डिस्कशन का सब्जेक्ट है वोवन वेलवेट फैब्रिक, टाइप्स ऑफ वेलवेट फैब्रिक, मेथड ऑफ वीविंग ऑफ वेलवेट फैब्रिक्स, यूजेस, डिफेक्ट्स एंड रेमेडीज। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वेलवेट फैब्रिक क्या होता है। तो दोस्तों, द वेलवेट फैब्रिक्स हैव कट पाइल ऑन वन साइड ऑफ द फैब्रिक सरफेस। दोस्तों, जो आपका वेलवेट फैब्रिक होता है उसके एक साइड पर कट पाइल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेलवेट फैब्रिक्स मैन्युफैक्चर्ड। दोस्तों, हमारी वीविंग इंडस्ट्री में दो टाइप के वेलवेट फैब्रिक मैन्युफैक्चर करे जाते हैं। वन इज नोन एज बार्क पाइल फैब्रिक एंड अदर इज कॉल्ड वेफ पाइल फैब्रिक। दोस्तों, एक को कहते हैं बार्क पाइल फैब्रिक और दूसरे को कहते हैं वेफ पाइल फैब्रिक। दोस्तों, कॉटन, एक्रेलिक, विस्कोस, फिलामेंट एंड पॉलिस्टर यार्न आर वाइडली यूज टू मैन्युफैक्चर वेलवेट फैब्रिक। दोस्तों, ये जो वेलवेट फैब्रिक होता है इसके अंदर कॉटन यूज करी जाती है, एक्रेलिक भी यूज करते हैं, विस्कोस फिलामेंट भी यूज करते हैं और पॉलिस्टर यार्न भी बहुत अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। आइदर मल्टीप्लाई स्पन यार्न और मल्टीप्लाई फिलामेंट विस्कोस यार्न इज यूज्ड टू मेक फाइल्स। दोस्तों, जो वेलवेट फैब्रिक के ऊपर जो फाइल्स बनते हैं या लूप्स होते हैं, जो कट लूप्स होते हैं, वो या तो मल्टीप्लाई स्पन यार्न से बने होते हैं या मल्टी फिलामेंट यार्न से बने होते हैं। द वेलवेट फैब्रिक आर वाइडली यूज्ड टू मेक गारमेंट्स, जैकेट्स, पर्सेस, कार सीटिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्विल्ट्स, पिलो कवर एक्सेट्रा। दोस्तों, ये जो हमारा वेलवेट का फैब्रिक होता है इसका यूज गारमेंट बनाने में होता है, जैकेट पर्स बनाने में भी होता है, कार सीटिंग में बहुत यूज होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और क्विल्ट और पिलो वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी वेलवेट होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ वोवन वेलवेट फैब्रिक्स मतलब वोवन वेलवेट फैब्रिक के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोवन वेलवेट फैब्रिक मैन्युफैक्चर्ड। दोस्तों, हमारी वीविंग इंडस्ट्री में दो तरीके के वेलवेट फैब्रिक प्रोड्यूस करे जाते हैं। एक होता है बार्क पाइल वेलवेट, दूसरा होता है वेफ पाइल वेलवेट। दोस्तों, अब आज के वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं बार्क पाइल वेलवेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, बार्क पाइल वेलवेट क्या होती है। In this velvet fabric, the warp yarn makes piles on the fabric surface. दोस्तों, जो हमारा warp pile fabric होता है उसमें क्या होता है कि जो warp yarn होता है वो आपके fabric surface के ऊपर pile का निर्माण करता है। Two series of warp and one series of weft are used to make this pile fabric. दोस्तों, ये जो woven warp pile वेलवेट होती है उसको बनाने में हम दो वार्प सीरीज यूज करते हैं और एक वेब सीरीज यूज करते हैं। तो दोस्तों, द वन वार्प सीरीज इज नोन एज ग्राउंड वार्प एंड अदर सीरीज इज नोन एज पाइल वार्प। दोस्तों, जो हम वार्प की सीरीज यूज कर रहे हैं तो उसमें एक सीरीज को हम बोलते हैं ग्राउंड वार्प और दूसरी सीरीज को बोलते हैं हम पाइल वार्प। सिंस पाइल साइड is the face of the fabric, so that superior quality pile warp yarn is used to make warp pile velvet. दोस्तों, क्योंकि जो हमारा वोवन warp velvet होता है या warp pile velvet होता है उसका जो face side होता है वो जिधर pile बनती है वो होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि velvet fabric के अंदर, warp pile fabric के अंदर superior quality का पाइल वार्प यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, द मेथड ऑफ वार्प पाइल वेलवेट वीविंग मतलब सीधा सा है कि
जो आपका वॉल पाइल फैब्रिक होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है दोस्तों, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, देयर आर टू मेथड्स यूज टू मैन्युफैक्चर वॉल पाइल वेलवेट। दोस्तों हम वॉल पाइल फैब्रिक को बनाने में या वॉल पाइल वेलवेट फैब्रिक को बनाने में दो मेथड्स का प्रयोग करते हैं। तो जो पहला मेथड है आपका वो है सेरेटेड वायर्स इंसर्शन मेथड। तो दोस्तों इस मेथड में क्या होता है, देखिए, इन दिस प्रिंसिपल द पाइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सेरेटेड वायर्स। दोस्तों क्या होता है कि जब कपड़े की बुनाई होती है, इस प्रिंसिपल के अंदर जो पाइल्स का फॉर्मेशन होता है वो धारदार नाइफ के द्वारा होता है या धारदार वायर्स के द्वारा होता है। सिंगल फैब्रिक वीव्स एट ए टाइम इन दिस मेथड। दोस्तों ये जो प्रिंसिपल है आपका सेरेटेड वायर्स इंसर्शन मेथड, इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही कपड़ा बनता है। वन ग्राउंड बार एंड वन पाइल बार आर यूज्ड इन दिस मेथड। दोस्तों इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, एक ग्राउंड बार भी यूज करते हैं और एक पाइल बार भी यूज करते हैं। द ग्राउंड बार एंड वेफ्ट मेक प्लेन फैब्रिक। दोस्तों क्या होता है, जो आपका ग्राउंड बार होता है और आपका वेफ्ट होता है वो दोनों मिलके जो आपका बार पाइल वेलवेट होता है उसके ग्राउंड का निर्माण करते हैं। द सेरेटेड वायर्स आर इंसर्टेड इन द सेड अकॉर्डिंग टू डिजाइन एंड पैक प्लान। दोस्तों अब हम इस प्रिंसिपल में सेरेटेड वायर इंसर्ट करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू डिजाइन और पैक प्लान के हिसाब से हम वायर इंसर्ट करते जाते हैं। व्हेन द पाइल बार पासेस ओवर द सेरेटेड वायर। दोस्तों क्या होता है कि जब आपका जो पाइल बार होता है सेरेटेड वायर के ऊपर से पास होता है, इट मेक्स लूप्स ऑफ पाइल बार। तो इससे आपके जो पाइल बार है उसके लूप फॉर्म होते हैं। द सेरेटेड वायर्स आर एलिमिनेटेड आफ्टर वीविंग। दोस्तों क्या होता है, जैसे ही आपका कपड़ा बना उसके बाद हमने जो सेरेटेड वायर्स इंसर्ट किए थे कपड़े के अंदर उनको हम बाहर खींच लेते हैं। द लूप्स ऑफ पाइल बार गेट कट ड्यूरिंग एलिमिनेशन ऑफ सेरेटेड वायर्स। तो जैसे ही दोस्तों हम सेरेटेड वायर्स को कपड़े से बाहर निकालते हैं, तो चूँकि जो हमारे वायर्स इंसर्ट किए गए हैं उनमें धार होती है, शार्प होते हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों, खींचते टाइम जो लूप से वो कट जाते हैं। दस कट पाइल्स ऑफ वार्प यार्न आर फॉर्म्ड ऑन द फैब्रिक सरफेस। दोस्तों इस तरीके से आपके फैब्रिक सरफेस के ऊपर कट पाइल दिखाई पड़ने लगते हैं। देयर आर डबल लेट ऑफ सिस्टम रिक्वायर्ड इन द लूम टू वीव द फैब्रिक। दोस्तों हमें एक ऐसी लूम की ज़रूरत पड़ती है जिसके ऊपर डबल लेट ऑफ सिस्टम लगा होना चाहिए, मतलब दोनों बीमों को अलग अलग टेंशन पर चलना चाहिए। द पाइल डेंसिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग पिक्स पर इंच। दोस्तों यदि हमें कपड़े में पाइल की डेंसिटी बढ़ानी है तो हमें कपड़े में पिक्स पर इंच बढ़ाने पड़ते हैं। दोस्तों एक चीज़ और है यहाँ पे जो हमने नहीं लिखी हुई है, मैं बता देता हूँ आपको। यदि आपको पाइल की हाइट बढ़ानी है तो आपको जो सेरेटेड वायर इंसर्ट कर रहे हैं उनकी जो डायमीटर है वो बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस सिस्टम इज वेरी लो। दोस्तों ये जो ऊपर हमने सिस्टम डिस्क्राइब किया है इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। देयर आर रिक्वायर्ड डिफरेंट साइजेज ऑफ सेरेटेड वायर टू वीव द फैब्रिक विद डिफरेंट पाइल हाइट्स। दोस्तों क्या होता है कि इस प्रिंसिपल के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप के और साइज के सेरेटेड वायर्स की ज़रूरत पड़ती है यदि हमें डिफरेंट डिफरेंट पाइल हाइट्स अचीव करनी है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए, तो यहाँ पे हमने इस पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया हुआ है। दोस्तों क्या होता है कि जब आपका वायर पड़ता है, ये देखिए यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये ग्रे कलर में दिखाया हुआ है, ये है आपका सेरेटेड वायर। और दोस्तों ये जो ब्लैक कलर के सर्कल दिख रहे हैं ये सब हैं, ये हैं आपके वेफ्ट के धागे। क्योंकि हमने इसका कपड़े का साइड व्यू दिखाया हुआ है इसलिए जो वेफ्ट है वो डॉट के रूप में दिख रहा है आपको। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका
ये जो ये ब्लैक कलर का ये धागा चल रहा है और ये चल रहा है, ये ग्राउंड वार्प है आपका, मतलब ग्राउंड के धागे हैं जो बेल्ट के ऊपर नीचे जा रहे हैं इस तरीके से। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, ये जो रेड कलर का चल रहा है, ये चल रहा है, तो रेड कलर का धागा है ये, तो ये है आपका पाइल वार्प। तो दोस्तों जैसे ही ये पिक पड़ा, यहाँ पर सेट चेंज हुआ, इसके बाद में जब ये धागा ऊपर था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एक वायर इंसर्ट कर दिया, इसके बाद में फिर सेट चेंज हो गया, फिर एक पिक डाला, इसके बाद में फिर सेट चेंज हो गया, तो ये आपके लूप बन गए यहाँ पे, ये रेड कलर के धागे के लूप बन गए यहाँ पे, ये पाइल वार्प है, ये देखो सारे लूप बन गए हैं, और इसके अंदर क्या सेरेटेड वायर इंसर्ट कर दिए गए हैं, ग्रे कलर के दिख रहे होंगे आपको। दोस्तों इसके बाद क्या करते हैं, जब वीविंग कंप्लीट हो गई, तो ये जो सेरेटेड वायर थे आपके ये ग्रे कलर के, इनको हमने मैनुअली हाथ से बाहर खींच दिया। तो चूंकि ये जो सेरेटेड वायर होते हैं, इनकी जो शेप ऐसी होती है कि जब इनको आप बाहर को खींचते हैं, वो धागे के ऊपर लूप के ऊपर प्रेशर डालते हैं, और आपका ये जो होता है लूप दो भागों में बढ़ जाता है, मतलब कट जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये लूप कट गए आपके वायर निकालते ही। साइड व्यू ऑफ वेलवेट फैब्रिक आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ सेरेटेड वायर। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि आपको इस फॉर्म में कपड़ा मिल गया। अब ये जो कपड़ा होता है, इसकी रेजिंग और शेयरिंग करी जाती है दोस्तों, एक मशीन होती है, तो उसमें क्या होता है कि वायर्स होते हैं, जो रेजिंग वायर्स लगे होते हैं, उससे तो ये जो धागा होता है, इसके जो एंड्स होते हैं, इनके जो ट्विस्ट होता है वो ओपन हो जाता है, और कपड़े की सरफेस को लेवल करने के लिए मशीन के अंदर ब्लेड लगे होते हैं, तो उससे क्या होता है आपके कपड़े की शियरिंग होती है, मतलब बिल्कुल एक लेवल में उसको कट कर देता है। तो दोस्तों कट करने के बाद में आपका कपड़ा इस तरीके से दिखने लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोस्तों, हमने दिखाया हुआ है कि ये है पिक है, ये आपका सेरेटेड वायर है, ब्लैक थ्रेड्स ग्राउंड एंड है, रेड थ्रेड्स फाइल एंड है। अब दोस्तों एक दूसरा मेथड और आता है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो होता है फेस टू फेस प्रिंसिपल्स मेथड। दोस्तों इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड ऑफ वेलवेट मैन्युफैक्चरिंग टू फैब्रिक्स आर वोवन साइमल्टेनियसली। मतलब दोस्तों ये जो फेस टू फेस प्रिंसिपल होता है वेलवेट बनाने का, इसमें दो कपड़े एक साथ प्रोड्यूस किए जाते हैं, द फेसेज ऑफ द बोथ फैब्रिक्स अपोज टू ईच अदर। दोस्तों क्या होता है इसमें कि जो दो कपड़े बन रहे होते हैं, तो उन कपड़ों के जो फेस होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। मतलब क्या होता है कि जो आपका ग्राउंड का कपड़ा बन रहा है वो ऊपर होता है, टॉप में होता है, और एक ग्राउंड का कपड़ा होता है वो बॉटम में होता है, और जो फेस होता है वो एक दूसरे को सामने होता है। तो दोस्तों द टू लेयर ऑफ द फैब्रिक आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ कटिंग नाइफ कंटिन्यूसली ड्यूरिंग वीविंग। दोस्तों अब हमारे पास क्या होता है कि जो वेलवेट बन रही है फेस टू फेस प्रिंसिपल के द्वारा, उसमें क्या होता है कि दो लेयर होती हैं कपड़े की, तो उनको जो अलग अलग करते हैं या उनकी जो कटिंग करते हैं, सेपरेशन करते हैं, वो लूम के ऊपर एक अटैचमेंट होता है, उसमें नाइफ भी लगा होता है, और उसमें ग्राइंडिंग सिस्टम भी लगा होता है जो नाइफ को कंटिन्यूसली शार्प करता रहता है, तो वो मशीन में लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूव करता है आफ्टर इंसर्शन ऑफ ईच पिक। तो उससे क्या होता है कि आपके कपड़े में जो दो लेयर बन रही हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, मतलब जब बाहर निकलता है तो उसमें दो कपड़े बाहर निकल आते हैं। देयर आर टू ग्राउंड बार बीम्स आर यूज टू मेक द वेलवेट इन दिस प्रिंसिपल। दोस्तों क्या होता है कि इस प्रिंसिपल में दो ग्राउंड बार यूज करे जाते हैं, वन ग्राउंड बीम इज यूज टू मेक टॉप फैब्रिक। दोस्तों एक जो ग्राउंड बीम होता है वो टॉप फैब्रिक बनाने के लिए यूज किया जाता है, और अदर ग्राउंड बार बीम इज यूज टू मेक बॉटम फैब्रिक। दोस्तों और जो दूसरा बार बीम होता है ग्राउंड का, वो बॉटम का कपड़ा बनाने में प्रयोग किया जाता है। पाइल बार इज यूज्ड कॉमनली फॉर बोथ फैब्रिक। दोस्तों जो आपका पाइल बार का बीम होता है वो दोनों फैब्रिक के लिए, मतलब टॉप फैब्रिक और बॉटम फैब्रिक के लिए कॉमन होता है। देखिए दोस्तों हमने इस ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाया हुआ है वेलवेट फैब्रिक मैन्युफैक्चर्ड बाई फेस टू फेस प्रिंसिपल। तो दोस्तों इस ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ जाएंगे, देखिए दोस्तों ये आपके कपड़े में क्या है, बॉटम लेयर है या बॉटम फैब्रिक है,
ये आपका टॉप फैब्रिक है, ये आपके टॉप के कपड़े के पिक हैं, ये ब्लैक में, ये बॉटम के कपड़े के पिक हैं, और दोस्तों मैंने साइड व्यू दिखाया हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर और देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे रेड एंड ब्लू थ्रेड्स फाइल बार्फ है, और ब्लैक थ्रेड्स ग्राउंड एंड है, और ब्लैक डॉट्स पिक हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्या होता है कि इस तरीके के प्रिंसिपल में या इस तरीके के मेथड में क्या होता है कि हमारी ये मशीन होती है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो एक साथ दो सेट बनाती है, एक टॉप के कपड़े के लिए सेट बनाती है और एक बॉटम के कपड़े के लिए सेट बनाती है। तो जो फाइल के धागे होते हैं वो कुछ धागे ऊपर होते हैं मतलब टॉप के पोजीशन में होते हैं, कुछ बॉटम पोजीशन में होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही पिक पड़ता है तो एक पिक नहीं पड़ता है दोस्तों, ये एक साथ दो पिक पड़ते हैं, ये भी पड़ेगा एक भी पड़ेगा, एक साथ पड़ेंगे। उसमें अरेंजमेंट होता है, दो रैपियर होते हैं मतलब टॉप रैपियर बॉटम रैपियर राइट में भी होता है और टॉप रैपियर बॉटम रैपियर लेफ्ट में भी होता है। तो एक साथ दो पिक डाले जाते हैं दोस्तों, उसके बाद में जब सेट चेंज हो जाता है तो जो पाइल के वार्प होते हैं उनकी पोजिशन चेंज हो जाती है, जो बॉटम में थे वो टॉप में चले गए और जो टॉप में थे वो बॉटम में चले गए। तो इससे क्या होता है कि फिर सेट चेंज होके फिर वेफ्ट इंसर्शन होता है। तो इस तरीके से ये तो ग्राउंड बनता जाता है, ये आपका ग्राउंड बन रहा है, ये देखिए ये ग्राउंड बन रहा है आपका, और जो पाइल के धागे की टॉप और बॉटम बॉटम पोजीशन चेंज होने से आपका पाइल बनता है दोस्तों। ये हमने साइड व्यू के माध्यम से आपको दिखाया हुआ है। और दोस्तों आपके मशीन में क्या होता है कि कटिंग ब्लेड चल रहा होता है, तो कटिंग ब्लेड चलता है तो उसमें क्या होता है कि वो आफ्टर इंसर्शन ऑफ ईच पिक लेफ्ट भी जाता है राइट भी जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपके पाइल के जो लूप्स होते हैं कटते जाते हैं और दो कपड़े बन के बाहर निकलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक सिस्टम होता है फेस टू फेस वेलवेट वीविंग बाय यूजिंग सिंगल शटल प्रिंसिपल। दोस्तों ये तो हमने दिखाया आपको डबल शटल प्रिंसिपल का मेथड, ये जो हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, जो डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए फेस टू फेस वेलवेट वीविंग बाय यूजिंग सिंगल शटल प्रिंसिपल। दोस्तों इस प्रिंसिपल में क्या होता है, इन दिस मेथड सिंगल ग्राउंड बार इज यूज्ड फॉर टॉप एंड बॉटम फैब्रिक बोथ। दोस्तों जो सिंगल शटल प्रिंसिपल होता है उसके अंदर सिर्फ एक बार बीम यूज किया जाता है ग्राउंड के लिए दोस्तों, पाइल बार बीम इज यूज्ड कॉमनली फॉर बोथ फैब्रिक। दोस्तों जो पाइल बार होता है वो दोनों कपड़ों के लिए कॉमन होता है टॉप और बॉटम के लिए। इट इज वोवन ऑन द लूम इक्विप्ड विद डबल लेट ऑफ एंड नॉर्मल शेडिंग मैकेनिज्म। दोस्तों जो आपका सिंगल शटल प्रिंसिपल होता है इसमें नॉर्मल शेडिंग मैकेनिज्म होता है और जो आपका लेट ऑफ होता है वो दो लेट ऑफ मोशन होते हैं उसके अंदर। मिनिमम 6 हील्ड शाफ्ट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द वेलवेट फैब्रिक। दोस्तों जो आपका वेलवेट फैब्रिक होता है उसको बनाने के लिए मिनिमम 6 शाफ्ट की जरूरत पड़ती है मतलब हील्ड शाफ्ट्स की जरूरत पड़ती है। सिंस वी नो दैट वेलवेट फैब्रिक्स आर हैवी वेट फैब्रिक, दोस्तों हम जानते हैं कि जो वेलवेट फैब्रिक्स होते हैं वो हैवी वेट होते हैं। इट रिक्वायर्स ए स्पेशल टेक अप रोलर्स। दोस्तों ये जो फेस टू फेस पल होता है और इसमें जो वेलवेट बन रही होती है तो इस तरीके की लूम में आपको स्पेशल टेक अप रोलर्स की आवश्यकता होती है। देयर आर टू टेक अप रोलर्स हैविंग स्ट्रॉन्ग स्पाइक्स ऑन देयर सरफेस आर यूज्ड इन द लूम। दोस्तों इस तरीके के लूम के अंदर दो टेकअप रोलर यूज किए जाते हैं और उनमें स्पाइक्स होते हैं। बैचिंग मोशन इज यूज टू वाइंड द क्लॉथ ऑन क्लॉथ रोलर्स। दोस्तों ये जो आपकी वेलवेट वीविंग की मशीन होती है सिंगल शटल की, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका कपड़ा होता है उसको वाइंड करने के लिए बैचिंग मोशन का यूज किया जाता है। ये कटिंग मोशन इक्विप्ड विद सेल्फ शार्पनिंग मैकेनिज्म इज यूज टू सेपरेट द टू लेयर्स ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों पहले भी बता चुके हैं कि लूम के ऊपर एक डिवाइस लगी होती है कटिंग डिवाइस, वो सेल्फ शार्पनिंग होती है मतलब अपने आप खुद ही जो कटिंग नाइफ होता है उसको शार्पन करती रहती है। इन
सिंगल सेटल वेलवेट वीविंग प्रोसेस द प्रोडक्टिविटी इज लो। दोस्तों जो सिंगल सेटल का वीविंग प्रिंसिपल है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब दोस्तों एक होता है आपका फेस टू फेस वेलवेट फैब्रिक वीविंग बाय यूजिंग डबल सेटल प्रिंसिपल। अब दोस्तों एक दूसरा मेथड होता है जो ऊपर भी हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, तो उसको हम डिटेल में बता रहे हैं आपको। ये देखिए, इन दिस वीविंग मैकेनिज्म स्पेशल टाइप ऑफ डोबी मैकेनिज्म इज यूज्ड। दोस्तों क्या होता है कि इस तरीके के प्रिंसिपल में या इस तरीके की लूम में स्पेशल टाइप ऑफ डोबी मैकेनिज्म प्रयोग किया जाता है। द वार्प एंड्स मेकिंग ग्राउंड फैब्रिक रेज एंड लोअर्ड इन टू पोजिशन। दोस्तों जो आपके वार्प के धारे होते हैं तो उनके लिए इस तरीके का मैकेनिज्म होता है डोबी में कि वो टू पोजिशन में मूव करते हैं। टॉप फैब्रिक ग्राउंड एंड्स मूव फ्रॉम मिडिल टू टॉप पोजिशन। जो आपके टॉप फैब्रिक के बार के ग्राउंड के धागे होते हैं वो टॉप और मिडिल पोजिशन तक आते हैं एंड टॉप टू मिडिल पोजिशन। फिर जो आपके टॉप टू मिडिल थे फिर वो मिडिल टू टॉप, मतलब टॉप मिडिल मिडिल टॉप। द बॉटम फैब्रिक ग्राउंड एंड्स मूव फ्रॉम बॉटम टू मिडिल एंड मिडिल टू बॉटम। और जो आपके बॉटम के कपड़े के ग्राउंड बार के धागे होते हैं वो सिर्फ बॉटम से मिडिल जा सकते हैं और फिर मिडिल से बॉटम आ सकते हैं। द लिफ्टिंग मैकेनिज्म ऑफ डोबी इज डिजाइंड इन सच ए वे दैट पायल एंड्स कैन मूव इन थ्री पोजिशंस। दोस्तों क्या होता है कि हमारे डोबी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी सहायता से जो आपके पायल के एंड्स होते हैं वो तीन पोजीशन में मूव कर सकते हैं। वो तीन पोजीशन कौन सी हो सकती हैं या कौन सी होती हैं दोस्तों? वो होती हैं टॉप पोजीशन, मिडिल पोजीशन एंड बॉटम पोजीशन। दस टू सेट्स आर फॉर्म्ड एट ए टाइम। दोस्तों तो ये जो हमारा डोबी मैकेनिज्म है इसमें जो स्पेशलिटी है टॉप मिडिल बॉटम चलने की, तो इससे क्या होता है हमारे लूम के ऊपर दो सेट्स बनते हैं। एक टॉप सेट होता है मतलब टॉप कपड़े के लिए बनता है, एक बॉटम सेट होता है मतलब बॉटम के कपड़े के लिए बनता है। द पिक्स आर इंसर्टेड इन द बोथ सेट्स इंडिविजुअली एट ए टाइम विद द हेल्प ऑफ टू शटल्स और रैपियर्स इन शटललेस वीविंग। दोस्तों क्या होता है कि जब सेट फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद कपड़े के अंदर जो पिक्स इंसर्ट किए जाते हैं दोनों सेट के अंदर एक साथ पिक इंसर्ट किए जाते हैं। वो कैसे करे जाते हैं कि दो शटल को हम प्रयोग करते हैं, उससे जाते हैं आपके पिक, या यदि आपकी लूम शटल लेस लूम है तो उसके अंदर हम रैपियर का प्रयोग करते हैं, उससे हमारे दोनों पिक एक साथ दोनों सेटों में इंसर्ट होते हैं। द मशीन इज इक्विप्ड विद सेल्फ शार्पनिंग फाइल कटिंग मैकेनिज्म। जो हमारी मशीन होती है वो सेल्फ शार्पनिंग कटिंग मैकेनिज्म से अटैच्ड होती है। द डबल टेकअप रोलर्स हैविंग स्ट्रॉन्ग स्पाइक्स ऑन देयर सरफेस। दोस्तों मशीन के अंदर क्या होता है कि डबल टेकअप रोलर होता है और उन टेकअप रोलर्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइक्स लगे होते हैं। वैशिंग रोलर्स आर यूज टू वाइंड द क्लॉथ ऑन द क्लॉथ वाइंडिंग रोलर्स। दोस्तों जो आपकी कपड़ा बन रहा होता है उसको वैशिंग मोशन की सहायता से क्लॉथ रोलर्स पर वाइंड किया जाता है। दोस्तों यहाँ मैंने आपको बताया कि जो आपके टेकअप रोलर्स होते हैं उनके ऊपर स्पाइक्स होते हैं, तो उनका सिर्फ इतना ही कारण होता है कि कपड़ा हैवी होने की वजह से, सिर्फ हैवी लगे होने से वो कपड़ा को ग्रिप नहीं कर पाता है, इसलिए उसके ऊपर स्पाइक्स यूज किए जाते हैं। इन डबल सटल वेलवेट वीविंग प्रोसेस द प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई। दोस्तों क्या होता है कि जो आपका डबल सेटल वेलवेट वीविंग प्रोसेस है इसके अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन हाई होता है बिकॉज डबल वेफ्ट इंसर्शन। दोस्तों ये सिर्फ इसलिए होता है कि हमारे मशीन में दो कपड़े एक साथ बनते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ पाइल्स। दोस्तों पाइल्स कितने प्रकार के बनते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके कपड़े में जो पाइल बन रहे हैं वो कितने प्रकार के बनते हैं। देखिए दोस्तों पहला होता वी पाइल। तो वी पाइल देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर फिगर के माध्यम से दिखाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे ये आपका वेफ्ट हो गया
ये ऊपर का ये देखिए, ये आपका क्या है, ये ग्राउंड के हैं ब्लैक वाले, यहाँ पे ये ब्लैक वाले ग्राउंड के हैं, यहाँ पे ये वेफ्ट है, ये वाला वेफ्ट है जो डॉट दिख रहा है। अब ये पाइल का धागा है, ये इस तरीके से चल रहा है आपका ऊपर नीचे, तो इसमें क्या होगा कि ये वी शेप बनाता है, तो इसको बोलते हैं हम वी शेप पाइल। और दोस्तों ये होता है आपका डब्ल्यू पाइल। तो डब्ल्यू पाइल में क्या होता है कि यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, देखिए किस तरीके से धागा मूव करता है। बकाया तो आप देख ही पा रहे होंगे कि ये वार्प के धागे चल रहे हैं, ये ब्लैक डॉट हैं, ये वेफ्ट है, ये भी वेफ्ट है। अब ये रेड कलर का चल रहा है धागा, ये इस तरीके से चलता है ये। तो ये क्या हो रहा कि तीन पिक के बाद में एक पाइल बन रही है, तो ये वो, और ये डब्ल्यू शेप में बन रही है। देखिए दोस्तों ये डब्ल्यू बन गई आपकी, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू पाइल। और दोस्तों एक होती है यू पाइल। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका पाइल का धागा होता है दो पिक के बाद फिर अपनी पोजीशन चेंज करता है। देखिए यहाँ पर था ये, यहाँ पर क्या है, ये आपका अप है, इसके लिए अपना फिर ये यहाँ पर डाउन चालू हुआ, तो ये यू शेप बन गई आपकी, यू शेप। तो इसको बोलते हैं यू पाइल। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं जो वेलवेट फैब्रिक होता है, बार पाइल वेलवेट फैब्रिक होता है, उसके अंदर किस किस तरीके के डिफेक्ट आते हैं और उसकी रेमेडी क्या होती है। दोस्तों तो देखिए यहाँ पे, सिंस द वेलवेट फैब्रिक इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम फ्लैट वोवन फैब्रिक। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा वेलवेट का कपड़ा होता है वो पूर्ण रूप से प्लेन फैब्रिक से या फ्लैट कपड़े से बिल्कुल अलग होता है। सो दैट द फैब्रिक डिफेक्ट्स इन वेलवेट फैब्रिक अपीयर्स इन डिफरेंट फॉर्म। यही कारण होता है दोस्तों कि जो वेलवेट का फैब्रिक होता है उसके अंदर जो डिफेक्ट होते हैं अलग रूप में ही अपीयर होते हैं। द मेन डिफेक्ट्स ऑफ द वेलवेट फैब्रिक आर गिवन बिलो। दोस्तों हम नीचे जो वेलवेट फैब्रिक के डिफेक्ट होते हैं वो आपको दे रहे हैं, देखिए दोस्तों। एक होता है मिसिंग पाइल एंड। इसमें क्या होता है, इफ द पाइल एंड गेट मिसिंग इन द वेलवेट फैब्रिक इट अपीयर्स क्लियरली ऑन द फैब्रिक सरफेस। दोस्तों यदि आपके कपड़े में कहीं पर भी पाइल का धागा है, जो पाइल एंड है, वो मिसिंग हो जाता है, तो वो आपके कपड़े पर फेस साइड में क्लियरली अपीयर होता है। दोस्तों यदि आपके कपड़े में कहीं पर भी पाइल का एंड मिस कर जाए तो उसमें क्या होता है कि आपके जो कपड़े के फेस साइड के ऊपर क्या होगा, वहाँ पे ग्राउंड दिखने लगता है और एक डीप बार बार के रूप में दिखाई पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, इट अपीयर्स इन द बोथ फैब्रिक टॉप एंड बॉटम। दोस्तों यदि आपके कपड़े में पाइल का धागा मिसिंग होता है तो ऐसा मत सोचिए कि एक ही कपड़े में दिखाई देगा, क्योंकि जो पाइल का वार्प होता है वो कॉमन होता है, इसलिए आपका जो मिसिंग एंड होगा वो टॉप कपड़े में भी दिखाई देगा, मतलब टॉप लेयर में भी दिखाई देगा और बॉटम लेयर में भी दिखाई देगा। दिस डिफेक्ट इज मेंडेबल इफ द पाइल एंड इज मिस्ड फॉर शॉर्ट लेंथ। दोस्तों ये जो एंड मिसिंग होती है, जो आपके कपड़े में अगर आ भी जाती है तो ये मेंडेबल होती है, बट इसके साथ में एक कंडीशन होती है कि आपका डिफेक्ट है उसका लेंथ छोटा होना चाहिए। अब दोस्तों दूसरा डिफेक्ट होता है मिसिंग ग्राउंड एंड। दोस्तों देखिए क्या होता है, इफ द ग्राउंड एंड गेट मिस्ड इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ पाइल फ्रेम ऑन द फेस साइड। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब आपके कपड़े में ग्राउंड का धागा कहीं पे टूट जाता है या मिस हो जाता है, तो आपके कपड़े के फेस साइड के ऊपर आपकी जो पाइल का वार्फ है या जो पाइल्स बने हुए हैं, तो उनमें क्या होगा, वो फ्रेम होने लगेगी, मतलब वो बाहर आने लगेंगे। दिस डिफेक्ट अपीयर्स इन वन फैब्रिक। दोस्तों जो आपका मिसिंग ग्राउंड एंड होता है वो सिर्फ एक ही साइड में दिखाई पड़ता है, वो सिर्फ एक ही कपड़े में दिखाई पड़ेगा, या तो टॉप में पड़ेगा या बॉटम में पड़ेगा। जिस कपड़े में भी आपका ग्राउंड एंड मिसिंग होगा उसी कपड़े में आपको दिखाई पड़ेगा। दोस्तों ये जो आपका मिसिंग ग्राउंड एंड होता है ये अनरिपेरेबल डिफेक्ट होता है। अब दोस्तों एक होता है मिसिंग पिक। दोस्तों मिसिंग पिक क्या होता है, देखिए, इफ द पिक गेट्स मिस्ड इन एनी वन फैब्रिक लेयर। दोस्तों यदि ये जो कपड़ा है और इसमें कहीं पर भी आपका वेफ्ट का धागा मिस हो जाता है या पिक मिस हो जाता है, तो क्या होगा
द पाइल्स डू नॉट फॉल ओवर दैट प्लेस। तो जहाँ पे आपका पिक मिस हुआ है वहाँ पे पाइल फॉर्मेशन नहीं होता है। ए डीप वेफ्ट बार अपीयर्स इन द बोथ फैब्रिक। दोस्तों इस केस में क्या होगा कि आपके दोनों कपड़ों में डिफेक्ट आएगा, उसमें क्या होगा कि वेफ्ट वाइज एक डीप वेफ्ट बार दिखाई पड़ेगी। दोस्तों ये जो आपका मिसिंग पिक होता है वेल्वेट फैब्रिक के अंदर वो अनरिपेयरेबल होता है। दोस्तों एक होती है रफ कटिंग, मतलब जब आपके फैब्रिक में लेयर टू लेयर सेपरेशन होता है तब ये रफ कटिंग आती है। द लेयर्स सेपरेशन ऑफ वेल्वेट इज ऑलवेज ए वेरी बिग इशू। दोस्तों ये जो आपके वेल्वेट के फैब्रिक में लेयर सेपरेशन होती है ये बहुत बड़ा इशू होता है। द कटिंग ब्लेड गेट्स शार्पन्ड आफ्टर इंसर्शन ऑफ एवरी अल्टरनेट पिक। दोस्तों क्या होता है कि आपके कपड़े में जो कटिंग होती है तो उसमें जो ब्लेड यूज किए जाते हैं वो ऑल्टरनेट पिक के ऊपर उनकी शार्पनिंग होती है। ड्यू टू इम्प्रॉपर शार्पनिंग ऑफ कटिंग ब्लेड कॉजेज रफ कटिंग ऑफ वेल्वेट फैब्रिक। दोस्तों यदि आपके जो शार्पनिंग ब्लेड हैं उनकी इम्प्रॉपर शार्पनिंग हो रही होती है तो आपके कपड़े में रफ कटिंग अपीयर होती है। द पायल्स बिगिन टू कम आउट फ्रॉम द फैब्रिक। यदि आपके कपड़े में रफ कटिंग होती है तो उससे क्या होता है कि जो पाइल के लूप्स होते हैं वो बाहर आना चालू हो जाते हैं। अनइवन फैब्रिक अपीयरेंस रिजल्ट्स ड्यू टू रफ कटिंग ऑफ वेल्वेट फैब्रिक। और दोस्तों क्या होता है कि आपके जो वेल्वेट का फैब्रिक है उसका जो फेस सरफेस है उसके ऊपर अनइवन फैब्रिक अपीयरेंस दिखाई देता है। इफ रफ कटिंग अपीयर्स ऑन द फैब्रिक सरफेस। दोस्तों यदि आपके कपड़े में कहीं पर भी रफ कटिंग अपीयर होती है बोथ द फैब्रिक गेट रिजेक्टेड। दोस्तों दोनों ही लेयर टॉप लेयर भी और बॉटम लेयर भी रिजेक्ट हो जाती है। और दोस्तों ये जो रफ कटिंग होती है ये अनरिपेयरेबल डिफेक्ट होता है। अब आता है दोस्तों ब्लेड मार्क्स। ब्लेड मार्क्स क्या होते हैं? इफ देयर इज एक्सेसिव क्लियरेंस बिटवीन नाइफ कैरिज एंड नाइफ कैरिज रेल। दोस्तों ये जो आपकी जो कटिंग डिवाइस होती है वो एक रेल के ऊपर मूव करती है तो उसमें क्या होता है कि यदि नाइफ कैरेज और नाइफ कैरेज रेल के बीच में क्लियरेंस अगर बढ़ जाता है इट कॉजेज पार्शियल और फुल ब्लेड मार्क इन द वेल्वेट फैब्रिक। तो दोस्तों ये जो बड़ा हुआ क्लियरेंस होता है नाइफ कैरेज और नाइफ कैरेज रेल के बीच में ये आपके कपड़े में पार्शियली मतलब आंशिक रूप से या पूरी ब्रिज के अंदर ब्लेड मार्क्स उत्पन्न करता है। द पाइल हाइट फॉर वन पिक इज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। दोस्तों अब ये ब्लेड मार्क क्या होता है कि इसके अंदर जो पाइल हाइट होती है कपड़े की वो कपड़े के अंदर या तो स्लाइटली घट जाती है या स्लाइटली बढ़ जाती है। दिस डिफेक्ट अपीयर्स एज वेफ्ट बार पार्शियली और फुल्ली और फुल फैब्रिक विद। दोस्तों ये जो ब्लेड मार्क का डिफेक्ट होता है वो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से आपके कपड़े में दिखाई पड़ता है और वो एक विथ वाइज लाइन के रूप में दिखाई पड़ता है। दिस इज अनरिपेयरेबल डिफेक्ट। दोस्तों ये जो ब्लेड मार्क का डिफेक्ट होता है ये अनरिपेयरेबल डिफेक्ट होता है। दिस डिफेक्ट अपीयर्स इन बोथ फैब्रिक। दोस्तों ब्लेड मार्क का डिफेक्ट दोनों कपड़ों में आता है, मतलब दोनों लेयर में आता है, टॉप लेयर में भी और बॉटम लेयर में भी। दोस्तों अब आता है लो पाइल हाइट बैंड। दोस्तों इसमें क्या होता है इन दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट द पाइल हाइट फॉर ए वेरी शॉर्ट लेंथ इज डिक्रीज सडनली। क्या होता है कि आपके कपड़े के अंदर थोड़ी दूर के लिए पाइल हाइट सडनली घट जाती है। इट अपीयर्स लाइक वेफ्ट वाइज बैंड इन द फैब्रिक। दोस्तों ये आपके कपड़े में वेफ्ट वाइज बैंड के रूप में अपीयर होता है। इट जनरेट्स इफ द पाइल बार टेंशन इज इंक्रीजेज सडनली फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग वीविंग। यदि आपके लूम के ऊपर जो पाइल का वार्फ है उसका टेंशन बहुत थोड़े समय के लिए क्या होता है इंक्रीज हो जाता है तो आपके कपड़े में लो पाइल हाइट बैंड क्रिएट हो जाते हैं। इट आल्सो जनरेट इफ द टेंशन इफ आइदर बॉटम ग्राउंड बीम और टॉप ग्राउंड बीम डिक्रीजेज सडनली फॉर ए
वेरी शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग वीविंग। दोस्तों इसका दूसरा कारण ये भी होता है कि यदि आपके जो ग्राउंड के बीम्स हैं उसमें यदि अचानक थोड़ी देर के लिए उनका टेंशन डिक्रीज हो जाए, मतलब कम हो जाए, तब भी आपके कपड़े में लो पाइल हाइट के बैंड क्रिएट हो जाते हैं। दोस्तों दिस इज अनरिपेरेबल डिफेक्ट, ये जो डिफेक्ट होता है अनरिपेरेबल होता है। अब सातवां है दोस्तों पाइल बार बैंड्स। अब दोस्तों पाइल बार बैंड्स क्या होते हैं? दिस डिफेक्ट रिजल्ट इफ द वार्प टेंशन ऑफ पाइल बार और एनी ग्राउंड बार डज नॉट मेंटेन रेगुलरली। दोस्तों ये जो पाइल बार बैंड होते हैं तो वो क्यों क्रिएट होते हैं? उसके सिर्फ दो ही रीजन होते हैं, या तो आपके बार बीम का जो टेंशन है, चाहे वो पाइल बार हो या आपका ग्राउंड बार हो, उसका टेंशन रेगुलरली कॉन्स्टेंट नहीं रह रहा है तो वो पाइल बार बैंड क्रिएट करता है। द लो एंड हाई बेफ्ट वाइज बैंड जनरेट इन द बोथ फैब्रिक्स। दोस्तों आपके कपड़े के अंदर लो पाइल बैंड और हाई पाइल बैंड्स क्रिएट होते हैं, वो होते हैं पूरी विस्क के अंदर। द फैब्रिक गेट्स रिजेक्टेड। दोस्तों यदि आपके कपड़े में पाइल बार बैंड्स आ रहे हैं तो आपका कपड़ा रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों एक डिफेक्ट होता है हाई डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट पाइल। दोस्तों ये डिफेक्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट अपीयर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ टॉप एंड बॉटम जॉस। दोस्तों ये जो आपका राइट साइड और लेफ्ट साइड के पाइल हाइट में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ गलत सेटिंग से क्रिएट होता है। किसकी गलत सेटिंग से क्रिएट होता है? दोस्तों टॉप एंड बॉटम जॉ की सेटिंग से होता है। दिस डिफेक्ट अपीयर्स इन बोथ फैब्रिक टॉप एंड बॉटम। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो हाइट डिफरेंस होता है पाइल का वो आपके दोनों कपड़ों में क्रिएट होता है। उसको फिनिशिंग ऑफ वेलवेट। अब दोस्तों देखिए कि जो कट पाइल वेलवेट होता है उसकी फिनिशिंग कैसे की जाती है, मैंने बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं आपको। द ग्रे वेलवेट फैब्रिक हैज ए लॉट ऑफ फाइबर फ्लफ इन इट। दोस्तों जब आपका ग्रे फैब्रिक बन के निकलता है लूम से तो उसके अंदर ढेर सारा फ्लफ होता है फाइबर्स का। द मैनी फाइबर्स ऑल्सो अपीयर्स ऑन द फैब्रिक सरफेस। और आपके कपड़े के फैब्रिक सरफेस के ऊपर बहुत सारे फाइबर्स दिखाई पड़ते हैं जो कहीं पर थोड़े से ऊंचे होते हैं, कहीं पर थोड़े से नीचे होते हैं। दीज फाइबर्स मेक द फैब्रिक सरफेस अनइवन। दोस्तों ये जो आपके सरफेस के ऊपर फाइबर्स दिखाई पड़ रहे होते हैं अनइवन सरफेस बनाते हैं। द सीन मतलब लश्चर ऑफ द फैब्रिक आल्सो डज नॉट कम आउट क्लियरली। दोस्तों जो ग्रे कपड़ा होता है उसके अंदर जो लश्चर होता है या जो चमक होती है आपके कपड़े की वो क्लियरली नहीं दिखाई पड़ती है। द कट पाइल फाइबर्स डू नॉट ओपन फुल्ली। दोस्तों जो कट पाइल फाइबर्स होते हैं या मतलब जो कट पाइल एंड्स होते हैं वो सही तरीके से ओपन नहीं हो पाते हैं उनका ट्विस्ट। दीज अनओपन्ड फाइबर्स ऑफ पाइल यार्न अफेक्ट द रिचनेस ऑफ द फैब्रिक सरफेस। दोस्तों जो अनओपन्ड टफ्ट होते हैं जो कटे हुए पाइल्स के वो जब ओपन नहीं होते हैं तो क्या होता है आपके कपड़े की जो सरफेस होती है उसमें अच्छी तरीके से रिचनेस नहीं आ पाती है। द ग्रे वेलवेट फैब्रिक इज पास्ड थ्रू ए वेलवेट फिनिशिंग मशीन। दोस्तों जो आपका कपड़ा होता है ग्रे फैब्रिक उसको हम एक वेलवेट फिनिशिंग मशीन से पास करते हैं। फॉलोइंग एक्शंस टेक प्लेस इन द फिनिशिंग मशीन। दोस्तों आपकी फिनिशिंग मशीन के अंदर तीन तरीके के एक्शन होते हैं वो मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। दोस्तों पहली होती है वेटिंग जोन। तो वेटिंग जोन के अंदर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द फैब्रिक पासेज ओवर द वेटिंग रोलर। दोस्तों सबसे पहले आपका कपड़ा होता है वो वेटिंग रोलर के ऊपर पास होता है। द डस्ट एंड फ्लफ एलिमिनेट इन दिस वेटिंग जोन। दोस्तों आपके कपड़े के अंदर जो भी डस्ट होती है या फ्लफ होता है वो आपके कपड़े से वेटिंग जोन में एलिमिनेट हो जाता है। अब दोस्तों दूसरी होती है रेजिंग जोन। तो द फेस साइड पाइल साइड ऑफ द फैब्रिक कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ ए रेजिंग रोलर। दोस्तों आपके वेलवेट फैब्रिक के कपड़े की जो फेस साइड होती है
वो रेजिंग रोलर के कॉन्टेक्ट में आती है, उसमें रेजिंग वायर लगे रहते हैं, वो आपके फेस में जो टफ्ट होते हैं अनओपन्ड पाइल एंड्स होते हैं कटे हुए, उनके कॉन्टेक्ट में आती है। द रोटेटिंग रेजिंग रोलर हेल्प्स टू ओपन द ट्विस्ट ऑफ पाइल यार्न। दोस्तों जब हमारा रेजिंग रोलर घूमता है तो वो आपके पाइल बार के ट्विस्ट को ओपन करने में मदद करता है। अब दोस्तों एक आती है शियरिंग जोन। तो दोस्तों शियरिंग जोन में क्या होता है, दिस इज द लास्ट एक्टिंग जोन। दोस्तों ये सबसे अंतिम एक्टिंग जोन होती है। दिस जोन कंसिस्ट ऑफ वन रोटेटिंग स्पाइरल ब्लेड एट हाई स्पीड। दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक स्पाइरल ब्लेड होता है वो रोटेट करता है, वन फिक्स्ड ब्लेड इज आल्सो माउंटेड ओवर स्पाइरल ब्लेड। दोस्तों आपके स्पाइरल ब्लेड के ऊपर एक फिक्स्ड ब्लेड भी माउंट होता है। द क्लियरेंस बिटवीन बोथ ब्लेड्स इज कैप्ट मिनिमम। दोस्तों दोनों स्पाइरल ब्लेड और फिक्स्ड ब्लेड के बीच में जो क्लियरेंस होती है वो मिनिमम रखी जाती है। व्हेन द फैब्रिक पासेज इनटू दिस जोन, जब हमारा वेलवेट का कपड़ा इस जोन से पास होता है, द एक्स्ट्रा फाइबर ऑन द फेस ऑफ द फैब्रिक गेट कट इवनली। दोस्तों तो हमारे फैब्रिक सरफेस के ऊपर एक्स्ट्रा फाइबर्स होते हैं वो इवन हो जाते हैं, मतलब कटिंग के द्वारा उनको बिल्कुल प्लेन एक लेवल में कर दिया जाता है। द सरफेस गेट्स मच क्लीन एंड क्लियर। तो दोस्तों कटिंग के बाद में या शियरिंग के बाद में आपका जो फैब्रिक का जो सरफेस होता है वो क्लीन भी हो जाता है और क्लियर भी हो जाता है। द सीन ऑफ द फैब्रिक कम आउट क्लियरली। दोस्तों कपड़े का जो लश्चर होता है, चमक होती है, वो क्लियर हो जाती है। द रिचनेस ऑफ द फैब्रिक आल्सो इम्प्रूव। दोस्तों कपड़े की जो रिचनेस होती है वो भी बढ़ जाती है। दोस्तों अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ। मैं पहले भी आपको बताया कि पाइल कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्येक पाइल का अपना एक करेक्टर होता है। देखिए द डब्ल्यू पाइल एंड वी पाइल ऑन अल्टरनेट पेक सो फास्ट पाइल स्ट्रक्चर। दोस्तों यदि आपके कपड़े में डब्ल्यू पाइल का प्रयोग किया है, वी पाइल का प्रयोग किया है, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत फास्ट होता है, आपके जो पाइल के धागे होते हैं वो इजीली नहीं निकलते हैं। दोस्तों डब्ल्यू पाइल और वी पाइल में भी फर्क होता है। जो आपका डब्ल्यू पाइल होता है उसका धागा इजीली बिल्कुल नहीं निकाल सकते इन कंपेरिजन ऑफ वी पाइल, मतलब वी पाइल की तुलना में आप डब्ल्यू पाइल के धागे को निकालेंगे तो उसमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। द रेगुलर वी पाइल एंड यू पाइल शोज पुअर फास्टनेस ऑफ पाइल स्ट्रक्चर। दोस्तों जो हमारी रेगुलर वी पाइल है और आपकी जो यू पाइल है वो जो पाइल स्ट्रक्चर होता है उनका वो बहुत पुअर होता है। दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नीड ए स्पेशल ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव द फास्टनेस ऑफ द स्ट्रक्चर। दोस्तों जो आपकी रेगुलर वी पाइल होती है और यू पाइल होती है, तो इस तरीके के कपड़े को जो फास्टनेस ऑफ द स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हम स्पेशल ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। ए कोटिंग ऑफ लेटेक्स रबर इज अप्लाइड ऑन द बैक ऑफ द फैब्रिक। तो हम इस तरीके के कपड़े के ऊपर रबर की कोटिंग करते हैं बैक साइड में। दिस ट्रीटमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव द फास्टनेस ऑफ पाइल स्ट्रक्चर इन द फैब्रिक। ये जो हम लेटेक्स रबर की कोटिंग बैक साइड में करते हैं, इससे क्या होता है कि आपके कपड़े में पाइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो फास्ट हो जाता है, मतलब जब हम कपड़े से हाथ से कोई भी पाइल का धागा निकालेंगे तो वो बाहर ईजिली नहीं निकलता है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ में वेलवेट के बारे में पूरी जानकारी शेयर की है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। दोस्तों यदि आपको कोई भी बात क्लियर करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। दोस्तों देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।